नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति। आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखने वाले हो। सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। और आज हम जो रिसर्च एप्टीट्यूड के जो भी क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है उनमें से हमने लिया है। और वो आपका 13 जून 2023 को जो पेपर लिया गया था, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में, वही पेपर में जो रिसर्च के क्वेश्चन आए थे उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को दिल से लाइक करना है, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना है। ओके, चलें तो शुरू करते हैं। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन करते हैं, जीसेट, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आरती प्रजापति, जहां पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। साइकोलॉजी वाले बच्चों के लिए अलग से हमारी यूट्यूब चैनल है, जिसका नाम है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी वाले बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे। और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल की लिंक मांग रहे हैं, तो देखिए यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसी तरीके से आपको टेलीग्राम में जाके सर्च करना है, वहीं से आपको ज्वाइन होना है। और साइकोलॉजी वालों के लिए भी अलग से टेलीग्राम चैनल है, तो आप लोग जो भी बच्चे साइकोलॉजी वाले हैं वो इस तरह से यहाँ पर जो लिंक लिखी हुई है उसी तरीके से लिख कर सर्च करेगा और वहीं पर ज्वाइन हो जाएगा। ओके, चले शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि अनुसंधानकर्ता का कौन सा पहलू किसी अध्ययन के प्रतिभागियों पर मनोसामाजिक प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी आप लोगों के सामने ही दिया है, क्योंकि बहुत सारे कुछ बच्चे इंग्लिश वाले होते हैं, कुछ बच्चे हिंदी वाले होते हैं। ओके, तो मैं दोनों को साथ में लेकर चलती हूँ। चले, विच एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्चर मे कोज साइकोलॉजिकल इफेक्ट इन द पार्टिसिपेंट ऑफ अ स्टडी। ओके, यहाँ पर साइकोलॉजिकल नहीं, बट यहाँ पर साइको सोशियल लिख देना। ओके, साइको सोशियल, साइकोसोशियल इफेक्ट की बात की गई है। चले, तो मतलब रिसर्चर का कौन सा ऐसा एस्पेक्ट होता है जो किसी अध्ययन के प्रतिभागी जो है, जहां पर से हम सैंपल लेते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं हमारे स्टडी के अंदर, तो उनके उन पर जो साइकोसोशियल प्रभाव डाल सकता है, तो रिसर्चर की एज, रिसर्चर का रेस, रिसर्चर की सेक्स, मतलब उसकी जाति। ओके, यहाँ पर जाति के संदर्भ में, लिंग के संदर्भ में, के वो मेल है या फीमेल है, और रिसर्चर का एटीट्यूड। चले, क्या चीज है रिसर्चर की ऐसी जो उनके उसके जो वो जिस पर स्टडी कर रहा है वो पार्टिसिपेट पर मनोसामाजिक प्रभाव डाल सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है भाई, कि आपकी एक सोचने की एक ऐसी प्रणाली, जिन आपकी ऐसी प्रणाली जिसको आपने एक्सेप्ट किया है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि घर में अगर मान लो कि बुजुर्ग लोग होते हैं तो वो बोलते हैं नहीं, घर के यही रूल्स होने चाहिए, इसको नहीं चेंज करना है ना, रूढ़िवादी तरीके से जो भी हमारी विचार शैली होती है वो रूढ़िवादी होती है, प्रचलित रूढ़िवादी जो होती है ना, वैसी विचारशैली, मतलब हम अपनी विचारसरणी में बदलाव ही नहीं लाते, बस हमारा वो एटीट्यूड रहता है, हमारा मंतव्य, हमारा जो अभिप्राय होता है वो क्या है, एक रूढ़िवादी तरीके से होता है। तो यहाँ पर अगर रिसर्चर का एटीट्यूड जो है वो उसके स्टडी के अंदर जो भी पार्टिसिपेट करेंगे जो लोग उन पर क्या करेगा, साइकोसोशियल इफेक्ट डालेगा। क्लियर। चले, उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक अनुसंधानकर्ता विभिन्न प्रतिदर्शों के प्रतिदर्श संबंध गुणांकों के लिए निम्नलिखित पी मान प्राप्त करता है, पी वैल्यू प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से किसी 1% सार्थकता स्तर पर सार्थक माना जा सकता है। यहाँ पर पी वैल्यू की बात की गई है, किसकी, पी वैल्यू की बात की गई, जिसके बेस पे हम 0.01 सिग्निफिकेंट लेवल पे उसको चेक करते हैं कि हाँ, हमारी जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रही है या एक्सेप्ट
शिफ्ट हो रही है। ओके, तो यहाँ पर कौन से 1% सिग्निफिकेंट लेवल पर किसको यहाँ से जो आपके ऑप्शन दिए हैं इनमें से किसको आप सार्थक मानेंगे, सिग्निफिकेंस मानेंगे? 0.001, 0.99, 0.995, 0.001 एंड 0.1। शायद आप लोगों को पता होगा कि मैंने 3 दिन पहले ही इस क्वेश्चन को टेलीग्राम चैनल में डाला था, यूजीसी नेट के टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था और जीसेट की टेलीग्राम चैनल पर भी इसको शेयर किया था। साथ ही साथ मैंने इससे रिलेटेड जो मैंने पढ़ाया है उसकी स्लाइड भी मैंने आपको शेयर की थी, अगर आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा तो। देखिए, पी वैल्यू जो होता है ना, वो जब हम टेस्ट होता है ना कोई भी, हमने जो डेटा कलेक्शन के लिए जो टेस्ट यूज किया है उसके बेस पर हमें जो भी स्कोर्स मिले हैं उसके बाद हम जिस उस पर प्रोसेस करते हैं और उसकी स्टेटिस्टिकल प्रोसेस करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलती है तो वो पी वैल्यू मिलती है। तो पी वैल्यू जो होती है ना वो 0 से 1 के बीच में होती है, 0 to 1 के बीच में होती है। अब ये पी वैल्यू हमें क्या बताता है कि हमारा जो हमें जो डेटा मिला है ओके, वो हमारे क्या है, यहाँ पर 50%, यहाँ पर 50% विस्तृत होगा। तो ये हमारा 0.05 लेवल, मतलब 0.05 और 0.05, देखिए बीच में ये 0.05 और ये वाला 0.05 ओके, इसको हटा, और इस तरीके से मिलकर आपका 0.01 लेवल पे वो क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंट दिखाता है। तो देखो ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि भाई हमारी वैल्यू, अगर मान लो कि आपकी जो वैल्यू है वो 0.05 से क्या होगी, कम होगी, अगर इससे कम होगी पी वैल्यू तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस जो कि क्या बताती है कि दो वेरिएबलों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, है ना? तो ये जो नल हाइपोथेसिस नो डिफरेंस बता रही है तो उसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, मतलब हाई चांस रहेंगे कि हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी और रिसर्च हाइपोथेसिस हमारी क्या होगी, रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। क्लियर, स्ट्रॉन्गली तरीके से 0.05 लेवल से पी वैल्यू आपकी क्या है, कम आ रही है। तो अब देखो 0.05 से पी वैल्यू आपकी क्या होती है, बड़ी होती है ना? 0.05 मतलब पी वैल्यू से, पी वैल्यू क्या है, 0.05 से ज्यादा बन जाती है तो फिर हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके, ये एक्सेप्ट हो जाएगी अगर हमारी पी वैल्यू ज्यादा आ रही है 0.05 से। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। तो हमें पहले ध्यान में कौन सी चीज रखनी है, 0.05 ये जो है वो बीच का मान है आपका, बीचों बीच वाला है ना, इसको याद, इससे ऊपर उसके जितना या उसे ऊपर या तो फिर उससे कम, है ना, इस तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए 0.05 लेवल, देखो यहाँ पर 0.04 जो है वो 0.05 से कम है तो ये आएगी। अब देखो 0.99 है तो ये तो आपकी वैल्यू ज्यादा हो रही है ना, देखिए यहाँ पर लिख कर देखेंगे तो अभी पता चल गया, यहाँ पर 0.05 है और यहाँ पर 0.99, तो ये तो बड़ी वैल्यू है तो ये तो आएगी नहीं, है ना, 0.01 लेवल पे हम इसको अगर सिग्निफिकेंस मानना चाहते हैं तो। फिर यहाँ पर भी यही हाल है, 0.995 है ना, तो ये भी आपका गया। उसके बाद देखो 0.001 बिल्कुल आएगी, 0.001 है ना, एंड ये देखो 0.1 है तो 0.1 है ओके, और यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0.05 से कम होनी चाहिए। ये क्या हो गई, अगर मैं इसके पीछे एक जीरो लगा भी लो पॉइंट के बाद तो देखो 0.10 हो रहा है, ये 0.05 की बात है ना, तो ये हमारी वैल्यू क्या है, ये कम है और ये वैल्यू ज्यादा है तो ये भी नहीं आएगी। तो आपका आंसर क्या आएगा, ए और डी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चले थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, चलो कोई बात नहीं ओके, तो यहाँ पर ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर।
उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री, दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट में से आपको बताने कौन से सही है कौन से गलत है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि रेशियो स्केल 0.0 इज आर्बिट्रेरी। ओके, 0 पॉइंट आर्बिट्रेरी होता है रेशियो के अंदर। द नॉमिनल स्केल अलाउड ऑर्डरिंग रैंकिंग ऑफ डाटा, डाटा को रैंकिंग एंड रैंकिंग के फॉर्म में हमें नॉमिनल स्केल अलाउ करती है। ओके, चलिए तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पहले रेशियो स्केल एंड नॉमिनल स्केल को ध्यान में रखिए। मैंने इसको आपको बहुत बार पढ़ा दिया है, फिर भी हम इसको पढ़ाएंगे। ओके, देखिए रेशियो रेशियो स्केल होती है ना, वो सबका बाप होता है, सभी स्केल का बाप होता है। सबसे पहले हमारी नॉमिनल स्केल आती है जो निम्न स्तर की मानी जाती है। सबसे निम्न स्तर में क्या आती है? नॉमिनल। नॉमिनल के बाद ऑर्डिनल, ऑर्डिनल के बाद क्या आती है आपकी? ऑर्डिनल के बाद क्या बोलते हैं इसको? नॉमिनल ऑर्डिनल, यस, इंटरवल, इंटरवल। ओके, इंटरवल। और लास्ट में आता है आपका रेशियो स्केल। ओके, जो कि सब सभी स्केल का बाप है। नॉमिनल की, जो नॉमिनल की विशेषता क्या है? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। ऑर्डिनल की ऑर्डर रैंक। ओके, ऑर्डर रैंक। फिर इंटरवल की क्या है? इंटरवल के अंदर आप ये क्लासिफिकेशन, ऑर्डर रैंक दोनों आ जाएंगे। फिर डिफरेंस निकालते हैं हम, इसमें हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। और रेशियो के अंदर, और यहाँ पर क्या आएगा? आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी जीरो। ठीक है, यहाँ पर भी हो सकता है आर्बिट्रेरी जीरो, यहाँ पर भी, ऑर्डिनल में भी हो सकता है और नॉमिनल में भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरवल में देखने को मिलेगा। रेशियो में क्या आएगा? ये सब के गुण तो वो ले ही लेगा, साथ में अपना एक गुण कौन सा छोड़ेगा? वो है आपका एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जीरो, वास्तविक जीरो जिसको बोलते हैं, वास्तविक शून्य, सॉरी, वास्तविक शून्य। ओके, और यहाँ पर क्या आएगा आपका? काल्पनिक शून्य। क्लियर? तो इस तरीके से, तो देखो रेशियो के अंदर 0 पॉइंट इज आर्बिट्रेरी नहीं आएगा, वहां पर क्या आएगा? एब्सोल्यूट जीरो आएगा। नॉमिनल स्केल किसके लिए? क्लासिफिकेशन के लिए, नेम को क्लासिफाइड करना है, नेम वाइज आप क्लासिफाइड करते हो उसके बेस पर। ऑर्डरिंग रैंकिंग किसमें आएगा? ऑर्डर ऑर्डिनल में आएगा, ऑर्डिनल स्केल होती है ना, उसके अंदर ऑर्डरिंग रैंकिंग किया जाता है। ओके, इसी वजह से ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 20 का करेक्ट आंसर, दोनों के दोनों फॉल्स है। अब इसको समझ लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ स्केल, स्केल जो है, मेजरमेंट की जो स्केल है उसको हम देख लेते। तो देखिए पहली होती है नॉमिनल, जो निम्न स्तर की मानी जाती है। क्या मानी जाती है? निम्न स्तर की। उससे ज्यादा आएगी ऑर्डिनल, ऑर्डिनल की ज्यादा आएगी इंटरवल, इंटरवल के सबसे उच्च उच्च स्तर की। अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे निम्न स्तर की बात करनी, तो ये नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों ही निम्न स्तर में आएंगे, लो लेवल ऑफ मेजरमेंट। जबकि हाई लेवल ऑफ मेजरमेंट में कौन कौन से आएगी? इंटरवल और रेशियो आएगी। क्लियर? अब देखो नॉमिनल के अंदर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, नेम वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं, मेल फीमेल के बीच भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। यहाँ पर भी आर्बिट्रेरी जीरो होगा। आर्बिट्रेरी जीरो का मतलब क्या होता है पता है? हम अज्यूम करके चलते हैं कि हाँ ये जीरो होगा, वास्तव में वो जीरो होता नहीं। जैसे कि जस्ट एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ कि अगर आपकी हाइट चेक करनी है, तो अब हाइट कहाँ से चेक करोगी? जीरो लेवल से चेक करोगे, है ना? फिट 1 फिट, 2 फिट, 3 फिट। तो ये 1 फिट कब होगा? जब नीचे जीरो से आपने लिया। 0 फिट तो कोई किसी की भी हाइट होती नहीं, फिर भी हम जीरो मान के चलते हैं, तो ये आर्बिट्रेरी होती है। समझ आ रहा है ना? और नो एब्सोल्यूट जीरो, यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है वास्तविक जीरो। जैसे कि हमारी घड़ी में 0000 होता है, होता है कि नहीं होता है? यस, होता है। ये वास्तविक जीरो है कि समय आपका बार बार घंटे के अंदर आपकी 24 घंटे कंप्लीट हो गए, 00 आपका समय आ गया है ना?
12 घंटे के बाद भी 0-0 देखने को मिलता है। तो ये क्या बता रहा है भाई, ये आपको बता रहा है कि ये वास्तविक जीरो है। ओके, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस होती है तापमान, जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस भी तापमान हो सकता है ना। तो ये भी क्या है आपका एब्सोल्यूट जीरो है, जो कि अभी भौतिक विज्ञान जो कहते हैं ना, भौतिकी विज्ञान में उसका यूज होता है, साइंस फील्ड में होता है। ओके, काउंटिंग इसको किया जाता है क्लासिफिकेशन के साथ साथ नॉमिनल स्केल के अंदर। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन पार्ट पढ़ सकते हैं हम उसको। ओके, मोड, यहाँ पर मोड, मोड का मतलब क्या होता है, बहुलक जिसको बोलते हैं, बहुमाध्य के, ऐसा हिंदी में वर्ड होगा, गुजराती में बहुलक बोला जाता है। ओके, मोड, मीन मोड, मीन मीडियन मोड, इस तरीके से होता है ना। तो मोड मतलब एक ही संख्या बार बार दोहरा रही है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, मोड कहलाएगी। ओके, तो ये आपको नॉमिनल स्केल में देखने को मिलेगा। ऑर्डिनल स्केल के अंदर क्या होगा, क्लासिफिकेशन तो होगा ही, नॉमिनल के क्लासिफिकेशन को ऑर्डिनल ने ले लिया, साथ ही साथ अपना कौन सा गुण इसके अंदर ऐड किया है, ऑर्डर का, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर रैंक में लगाते हैं, जैसे परसेंटाइल होते हैं ना, परसेंटाइल रैंक दिए जाते हैं, तो वो भी क्या है आपकी ऑर्डिनल स्केल के अंतर्गत आता है। ओके, रेटिंग हो गया, ग्रेडिंग हो गया, रैंकिंग हो गया, जैसे कि फर्स्ट फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। ओके, ग्रेटर और लेस देन, आर्बिट्रेरी जीरो नहीं होता है, यहाँ पर आर्बिट्रेरी जीरो होता है लेकिन एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है। यहाँ पर किसका यूज होता है, मीडियन का यूज होता है, जिसको हम मध्यस्थ बोलते हैं। परसेंटाइल रैंक ऑर्डर को रिलेशन जब निकालते हैं, ये भी हम ऑर्डिनल स्केल के बेस पे ही निकालते हैं। नॉट नोन एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट हमें यहाँ पर पता नहीं होती कि हाँ यही, मान लीजिए कि अंकिता का फर्स्ट नंबर आया, आशीष का सेकंड नंबर आया, लेकिन इन इन दोनों को हमें इतना पता चल गया कि कहीं पर भी परफॉर्मेंस किया, मान लीजिए कि कोई ऐसा प्रोग्राम था जहां पर कल्चरल बेस की या कोई भी प्रोग्राम था, उसमें सभी बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, अब सभी बच्चे के रैंक दिए गए कि इसको फर्स्ट नंबर आया, इसको सेकंड नंबर आया, इसका थर्ड नंबर, लेकिन वहां पर हमें पता नहीं चलता है, वहां पर हम ये नहीं बताते कि इसको कितने स्कोर्स आए, डायरेक्टली नंबर ही दे देते हैं, स्कोर हम नहीं बताते है ना। तो ये क्या होता है, एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता नहीं होता है, बस हम उसको रैंक दे देते हैं। इन दोनों के बीच के जो फर्स्ट नंबर आने वाले और सेकंड नंबर आने वाले जो व्यक्ति है, उनके बीच में भी कितना गैप होता है, कितना डिफरेंस होता है स्कोर के बीच में, वो भी हमें नहीं पता, बिकॉज हमें स्कोर ही नहीं पता होता, एग्जैक्ट अमाउंट ही नहीं पता होता है, तो उसके बीच का डिफरेंस भी हमें नहीं पता होगा। ओके, तो डिस्टेंस नॉट सेम, सेम डिस्टेंस भी नहीं होगा। मान लीजिए कि अंकिता को जस्ट एग्जाम्पल 100 में से आए 80 मार्क्स है ना, और आशीष को आए 100 में से 60 मार्क्स, लेकिन फिर भी आशीष सेकंड नंबर पे, यहाँ पर अंकिता 80 नंबर पे, थर्ड नंबर पे आने वाला जो व्यक्ति है उसके मान लीजिए कि आ गए 45, तो अब देखो डिस्टेंस भी सेम नहीं, यहाँ पर देखो 20 का गैप है, यहाँ पर देखो 55 और 5, हाँ 15 का यहाँ पर गैप है, तो यहाँ पर गैप भी सेम नहीं होता, डिस्टेंस भी सेम नहीं होता है ऑर्डर रैंकिंग के अंदर। ओके, उसके बाद आता है इंटरवल स्केल की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन के नॉमिनल से क्लासिफिकेशन ले लिया, इंटरवल ने ऑर्डिनल से ऑर्डर ले लिया, और अब खुद का भी तो कुछ जोड़ना पड़ेगा ना, तो खुद का उसने जोड़ दिया इक्वल यूनिट्स। ओके, उसने इक्वल यूनिट्स, जहां पर यहाँ पर ऑर्डिनल स्केल के अंदर जो गैप आ रहा था ना, जो डिस्टेंस सेम नहीं था, वो डिस्टेंस की कमी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी इंटरवल के अंदर, मतलब यहाँ पर आपको डिस्टेंस भी पता चलेगा। ओके, तो डिफरेंस भी पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। आर्बिट्रेरी जीरो होता है यहाँ पर, जैसे कि हाइट का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, वेट का भी ले लो, वेट जब हम चेक करते हैं तो 0 से शुरू होता है ना, तो 0 से क्यों होता है, किसी का वेट 0 होता है, नहीं होता है, जन्म लेने वाला बच्चा भी कम से कम 500 से 600 ग्राम का तो होता ही है, जस्ट एग्जाम्पल, वैसे तो होते हैं 2.5 किलो के, 3 किलो के एवरेजेस, लेकिन अगर हम मिनिमम, एकदम से मिनिमम माने ना, तो भी 600-700 ग्राम का तो बच्चा पैदा होता ही है ना, तो मतलब 0 वेट वाला कोई बच्चा नहीं होता है। तो
तो भी हम उसको जीरो मान के, जीरो से हम शुरुआत करते तो वो इंटरवल स्केल के अंतर्गत आएगा। ओके, यहाँ पर एग्जांपल फर्स्ट नंबर को 50 स्क्वायर आए, सेकंड नंबर को 40 स्क्वायर आए। तो अब हमें यहाँ पर पता चलता है, जो ऑर्डिनल में नहीं पता चल रहा था कि इसके इनको कितने स्क्वायर्स मिले हैं, इन स्क्वायर्स के बीच में क्या गैप है, कितना डिफरेंस है, वो हमें नहीं पता चल रहा था ऑर्डिनल स्केल के अंदर, वो यहाँ पर इंटरवल में हमें पता चलने लगा है। नॉन एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता चलने लगी है। ओके, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच में हम इक्वल डिस्टेंस भी हमें पता चलेगा कि इसके बीच में इक्वल है कि नहीं है। ओके, और इक्वल है तो कितने का डिफरेंस है, ये भी हमें पता चल जाएगा। रेटिंग स्केल इसका क्या है, एक एग्जाम्पल है। रेटिंग स्केल जो है ना, इंटरवल स्केल का एक एग्जाम्पल है। उसके अंदर सा ए एंड डी ए ऐसे डी ए। अब आप सोचोगे कि मैम ये क्या है, तो स्ट्रॉन्गली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, ये रेटिंग स्केल के पॉइंट है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं उसको, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई स्केल डेवलप, कोई टेस्ट डेवलप की, उसके अंदर आपने ये रेटिंग स्केल का यूज किया है। तो इसी तरीके जैसे जस्ट एग्जाम्पल मान लो ना कि आप कहीं दुकान पे जाते हैं, तो वहां पर होता है कि अगर आप हमारी सेवा से संतुष्ट हो तो यहाँ पर हमें 5 स्टार। कोई एप्लीकेशन आपने देखी होगी, तो जब आप एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आपको इस तरीके के स्टार दिए जाते हैं। ओके, और आपको फीडबैक देने के लिए बोला जाता है, तो आप अपने हिसाब से उसको फीडबैक देते हैं। जैसे कि अमेजोन पर से कोई चीज मंगवाते हैं, तब भी आप फीडबैक के रूप में, आपके पास फीडबैक मांगा जाता है। तो वहां पर कौन सी स्केल, रेटिंग स्केल का ही यूज होता है कि भाई आपको कितना पसंद आया है ना। तो ये अगर मान लीजिए किसी चीज के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप कितना एग्री, अगर आप स्ट्रांगली एग्री है तो मान लीजिए कि आपको 5 मार्क्स मिल रहा है, एग्री है तो आपको 4 मार्क्स मिल रहा है, न्यूट्रल है मतलब कि आप ना ही एग्री है ना ही डिसएग्री है, बीचों बीच वाली स्थिति है। ओके, तो यहाँ पर आप 3 मार्क्स मिलेंगे, फिर डिसएग्री है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री है तो 1 मार्क्स। तो ये क्या है, देखो इनके बीच के आपको पता तो चल गया है कि ये स्कोर बता रहे हैं 5, 4, 3, 2, 1 है ना। इसके बीच में भी इक्वल डिस्टेंस देखने को मिल रहा है। देखो 5 से 4 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 4 से 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 2 से 1 के बीच में भी, 3 से 2 के बीच में 1 डिफरेंस है, 2 से 1 के बीच में भी 1 डिफरेंस है। मतलब ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस हमें बता रहा है ना, 2 पॉइंट्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस हमें बता रहा है, ये रेटिंग स्केल है। ओके, फिर रेंज हमें पता चलती है कि कितनी रेंज है। ओके, स्टैंडर्ड डिविजन हमें पता चलता है, उसके बाद हम मीन पता चलता है हमें, मीन मतलब एवरेज पता चलती है। देखो नॉमिनल के अंदर मोड पता चलता था, ऑर्डिनल के अंदर मीडियन पता चलता था, इंटरवल के अंदर हमें क्या पता चल रहा है, मीन पता चल रहा है। ओके, टी टेस्ट यहाँ पर हम देखो यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, आई थिंक मुझे लगता है यूजीसी नेट में भी आए, जीसेट में भी आए। तो यहाँ पे इंटरवल स्केल में कौन से टेस्ट में इंटरवल स्केल का यूज होता है, तो टी टेस्ट है। ओके, फिर एफ टेस्ट है, पियर्सन कोरिलेशन है। तो इसके इनके मतलब इंटरवल स्केल के अंदर हम ये टेस्ट अप्लाई करते हैं। अगर आपका जो भी डेटा कलेक्शन का जो टूल है वो इंटरनल स्केल के बेस पर है, तो आप वहां पर टी टेस्ट, एफ टेस्ट, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन लगा सकते हैं। समझ आया ना, तो ये पैरामेट्रिक के बेस पे हो गया, क्योंकि टी टेस्ट, एफ टेस्ट, पियर्सन कोरिलेशन ये आपका क्या होता है, ये आपका पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद है रेशियो स्केल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन तीनों का बाप है, तो नॉमिनल के भी ले लिए क्लासिफिकेशन को, ऑर्डिनल के ऑर्डर को ले लिया, और इंटरवल की इक्वल यूनिट एंड डिफरेंस ले लिया। ओके, अब खुद का भी तो कुछ जुड़ना पड़ेगा, तो खुद का उसने जुड़ दिया कि सबका मैं बाप हूं, तो मैं अब वास्तविक 0 दूंगा, आर्बिट्रेरी 0 नहीं दूंगा, मैं एब्सोल्यूट 0 दूंगा। तो ये वास्तविक 0 दे रहा है रेशियो स्केल। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन की जो मीन होते हैं उसका रेशियो भी देता है। इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, परसेंटेज देता है, बताता है, एक्सप्रेस करता है परसेंटेज को। मोस्टली जनरली हम देखे तो परसेंटेज को। तो यहाँ पर आपको एक और भी बात देखने को मिली कि रेशियो जो है ना वो हमें परसेंटेज एक्सप्रेस करता है, जबकि ऑर्डिनल स्केल है वो हमें परसेंटाइल,
परसेंटाइल बताता है ना। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा यूजीसी नेट का जो रिजल्ट आता है, तो कुछ सब्जेक्ट में रिजल्ट परसेंटेज में आते हैं, तो कुछ कुछ सब्जेक्ट के रिजल्ट जो है वो परसेंटाइल में आते हैं ना। तो इस तरीके को याद कर सकते हो आप। चलिए, तो ये हो गया आपका मेजरमेंट ऑफ स्केल। तो यहाँ पर आंसर क्या है, दोनों के दोनों गलत है। बिकॉज रेशियो स्केल की जगह पर यहाँ पर आर्बिट्रेरी जीरो में कौन कौन से आएंगे, नॉमिनल भी आएंगे। मोस्टली आपको याद रखना है इंटरवल, ओके, नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड लास्ट आपका क्या है, इंटरवल। लेकिन मोस्टली इंटरवल है इसके अंदर। चलिए, आपको अगर ये तीनों ऑप्शन में दिए हैं और इनमें से आर्बिट्रेरी को देखना है, तो इंटरवल को आप चूज करना, ओके। नॉमिनल स्केल के अंदर अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर ऑर्डरिंग के रैंकिंग नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा, नॉमिनल के अंदर आपका आएगा, नॉमिनल के अंदर क्या आएगा, क्लासिफिकेशन, ओके। और ऑर्डरिंग रैंकिंग किसमें आएगा, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल स्केल, ओके, ऑर्डिनल स्केल के अंदर, क्लियर। तो यहाँ पर दोनों के दोनों गलत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, दो स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से आपको बताने कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बार बार किए गए मापनों की श्रृंखला के मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन से किसी एकल मापन की यानी कि सिंगल मेजरमेंट की, सिंगल मेजरमेंट की, ओके, संयोगिक त्रुटि के, मतलब चांस एरर के संभावित आकार का अनुमान लगाया जाता है, ओके। उसके बाद कहा जा रहा है कि पूर्वाग्रह सभी मापनों को, बायस जो होता है ना, पूर्वाग्रह मतलब बायस, तो बायस जो होता है सभी मापनों की, मतलब कि जितने भी ऑल मेजरमेंट्स हैं उनको समान तरीके से, सेम डायरेक्शन, ओके, समान तरीके से उन्हें एक ही दिशा में, मतलब सेम डायरेक्शन में क्या करता है, धकेलता है, पुशिंग करता है, क्लियर। चलिए बताइए इसका आंसर सभी बच्चे। ओके, चलिए यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर एरर के बारे में बताया गया है। जब भी हम रिलायबिलिटी चेक करते हैं, उस टाइम पे हम एरर को भी चेक करते हैं कि भाई कितनी एरर निकली। अब देखो, एरर जो होती है ना, एरर को ढूंढने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ट्रू स्कोर होना चाहिए। ये मैंने ना आप लोगों को साइकोलॉजी की जो हमारी यूट्यूब चैनल है, स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, उस चैनल पे मैंने आपको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर ये आपको करवाया हुआ है, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, ओके। और वो भी आई थिंक आइटम रिस्पॉन्स थियरी, हाँ, आइटम रिस्पॉन्स थियरी की क्लास होगी। जिनको भी ये क्लास देखनी है, देख लेना, वहीं से ये क्वेश्चन, ओके, आइटम रिस्पॉन्स थियरी के अंदर से ये क्लास है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कि क्या कहा जा रहा है, एरर जो होती है ना वो ट्रू स्क्वायर माइनस हमारा ऑप्टेन स्क्वायर, ऑप्टेन स्क्वायर। अब समझिए, ट्रू स्क्वायर क्या होता है, बार बार हमने कोई भी टेस्ट है उसको क्या किया है, हमने यूज किया, बार बार उसका टेस्ट लिया। पहली बार लिया, मान लीजिए पहली बार आए 40 स्कोर, दूसरी बार आए 30 स्कोर मान लीजिए, तीसरी बार आए 40 स्कोर, चौथी बार मान लीजिए कि 35 आए, पांचवी बार मान लीजिए कि 35 आया, ओके। तो ये जो स्कोर हमें मिले हैं ना, बार बार हमने टेस्ट लिया और बार बार उनका जो भी स्कोर आया है, वो सभी स्कोर को हम क्या करेंगे, मिला लेंगे, यानी कि उसके एवरेज निकालेंगे, उसका एवरेज, या तो हम उसको मीन भी बोल सकते हैं, मीन निकालेंगे। अब एवरेज जो निकालेंगे ना,
तो वो हमारे क्या हो जाएगी, एवरेज जो निकलेगी, देखो यहाँ पर इसकी एवरेज अगर हम निकालते हैं तो 17 यहाँ पर 80, यानी कि 150 और 100 कितने आए, 150 30 180। अब 180 है यहाँ पर, और 3 2 5, तो देखो 5 3 15 और 3 5 6 5 30, तो यहाँ पर इसकी मीन बोलो या एवरेज कितनी है, 36। तो ये क्या हो गया हमारा ट्रू स्कोर हो गया, ये क्या होगा ट्रू स्कोर। अब ये जो ट्रू स्कोर मिला है उसके अंदर हमारा ऑप्टेन स्कोर डाला जाता है, ओके। और ऑप्टेन स्कोर मान लीजिए कि ऑप्टेन स्कोर हमारा आ रहा है 40, या तो फिर मान लीजिए कि 35 है ऑप्टेन स्कोर, जस्ट एग्जाम्पल। तो ये जो ऑप्टेन स्कोर मतलब हमने जो प्राप्त किया है उस स्कोर की बात करते, तो यहाँ पर एरर कितनी आई, एरर कितनी आई, तो एरर हमारी 1 आई, एक एरर आ गई है ना। अगर मैं मान लो यहाँ पर ले लेती हूँ 40, तो एरर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से एरर को देखा जाता है, समझ में आया। तो वो यहाँ पर यही बात है, यहाँ पर हम इसको अलग से समझते हैं। आ जाइए यहाँ पर देखो, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट, तो एक माप है कि कितने माप परीक्षण स्कोर ट्रू स्कोर के आसपास फैले हुए हैं, मतलब हमारे जो ट्रू स्कोर हमने आगे देखे वो हमें मिले, मान लो 36 हमारे मीन आया था, या तो फिर हम उसको एवरेज भी बोल सकते हैं, है ना। एवरेज मानो या मीन मानो, हमारा 36 आया। अब इसके आसपास कितने, मतलब हमारे जो भी 40 पर, फिर हमारे 35 30 आए, फिर 40 आए, फिर 35 आए, फिर 35 आए, तो ये जो स्क्वायर है ना वो हमारे एवरेज स्क्वायर से कितनी दूरी पर फैले हुए हैं, है ना। वो हमारी जो ट्रू स्क्वायर है उसके आसपास कितने तक फैले हुए, तो उसको हम स्टैंडर्ड ऑफ एरर ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट एक परीक्षार्थी के लिए विशेष रूप से सार्थक है, क्योंकि ये एकल स्कोर सिंगल स्कोर पर लागू किया जाता है, ओके। यह परीक्षण की समान इकाइयों का उपयोग करता है, समान इकाई यूनिट भी क्या होगी, सेम यूनिट होंगे, समान रूप से यूनिट का यूज करता है। स्टैंडर्ड डिवीजन प्राप्तांक कितने फैले हुए ये बताया, स्टैंडर्ड डिवीजन हमें क्या बताएं कि हमारे जो हमने जो भी स्कोर प्राप्त किया, ऑप्टेन स्कोर हमारे, है ना, ऑप्टेन हमारे ऑप्टेन स्कोर्स जो हैं वो कितने फैले हुए हैं। हमारे जो एनपीसी जो नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व बनाते हैं तो उसमें कितना फैले हुए हैं ये हमें स्टैंडर्ड डिवीजन बताता है। स्टैंडर्ड डिवीजन से पता चलता है कि हमारे स्क्वायर एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि हमारी एवरेज वैल्यू या हमारा ट्रू स्क्वायर है उससे कितनी दूरी पर है हमारे जो ऑप्टेन स्क्वायर से, ये बताता है स्टैंडर्ड डिवीजन। आमतौर पर मानक विचलन त्रुटि यानी कि स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एरर को ही माप की मानक त्रुटि, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट कहा जाता है, समझ आया ना। अब देखिए अगर हमारी हाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट होगा तो एक्यूरेसी लेस होगी, ऑप्टेन स्कोर ट्रू स्कोर से दूर होता हमें दिखेगा, है ना। हमारा जो ऑप्टेन स्कोर है हमने जो प्राप्त किया है वो हमारा ट्रू स्कोर, मान लीजिए कि हमारा ट्रू स्कोर यहाँ पर होगा जो कि हमारा मीन या तो फिर हमारी एवरेज बोलते हैं हम, है ना, एवरेज वैल्यू है जो, तो वो हमारा यहाँ पर उससे हमारा जो ऑप्टेन स्कोर है हमने जो प्राप्त किया है स्कोर उससे क्या होगा ट्रू स्कोर से दूर होता जाएगा, मतलब इससे दूर होता जाएगा हमारा ऑप्टेन स्कोर। कब जाएगा, जब स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट मतलब कि ज्यादा होगी, है ना, हाई लेवल एरर जो है वो ज्यादा निकलेगी तब जाके, जब लो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट होगा तो मोर एक्यूरेंसी और ऑप्टेन स्कोर ट्रू स्कोर के करीब होगा। मतलब कि अगर एरर जो है वो कम आ रही है तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि हमारे जो ऑप्टेन स्कोर है वो इस ट्रू स्कोर के आसपास नजदीकी में ही है, समझ आता है ये बात है। चलिए
यहाँ पर आपका बार बार किए गए मापनों की श्रृंखला के मानक विचलन से स्टैंडर्ड डेविएशन से किसी एकल मापन की सिंगल मेजरमेंट की संयोगिक त्रुटि यानी कि चांस एरर जो है उसकी संभावित आकार का अनुमान लगाया जाता है। बिल्कुल लगाया जाता है, हम उसका आकार पता कर सकते हैं ना, हमने अभी किया ना उसका कि भाई वो कितना ज्यादा फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ है, कितनी दूरी पर है। अगर हमारी ऑप्टेन स्क्वायर है, अगर एरर ज्यादा आती है तो इसका मतलब ये होता है कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारा ज्यादा जाएगा। फिर हम उसके बेस पर हम ये भी पता कर पाएंगे कि हाँ भाई हम ट्रू स्क्वायर से कितनी दूरी पर है, कितने तक फैले हुए हैं, कितनी दूरी पर है, का हम ट्रू स्क्वायर के नजदीक है या फिर ट्रू स्क्वायर से दूर है, ये भी हमें पता चलेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। दूसरा पूर्वाग्रह बायस क्या होता है, अगर मैं आपको ये बोल दूं आप मेरे अच्छे मित्र हैं और मैं ये बोल दूं कि भाई आशीष जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंस बच्चा है, तो वो अगर मान लो कि आपके वहां पर अगर आप इंटरव्यू लेने जा रहे हो, मान लीजिए कि आपको पीएचडी में एडमिशन बच्चों को दिलवाना है और उसके लिए आपको मतलब एक एक्सपर्ट के रूप में चूज किया गया है और आप उन लोगों का इंटरव्यू लेने वाले हो है ना एडमिशन के लिए, तो फिर मैं आपको बता दूं कि आशीष अच्छा लड़का है, बहुत ही इंटेलिजेंस बच्चा है, तो आप हो सके तो उसको मतलब सिलेक्ट कर लेना, उसको ज्यादा स्कोर कर देना। तो अब क्या होगा, अब ये बायस आपके दिमाग में घुस गया है, मेरे मित्र ने कहा है ना, तो मेरे मित्र ने कहा है तो बच्चा इंटेलिजेंसी है और उसको मुझे स्कोर देना ही। तो अब एक तरफ समान तरीके से आप प्रभावित हो गए, आपके दिल दिमाग दोनों तरह से विचारने की जो शक्ति है आपकी एक ही तरह प्रभावित हो जाएगी कि हाँ मुझे उसको अच्छे स्कोर देने हैं और उसको एडमिशन दिलवाना है। ओके, और एक ही दिशा में हम पुश हो गए, हमें पुश किया गया एक ही दिशा में कि भाई उसको हमें चूज करना है ना, तो ये बायस आता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जिस अनुसंधान अध्ययन में मनुष्य की प्रतिभागिता होती है उसमें निम्नलिखित में से कौन से नैतिकता संबंधी मुद्दे सामने आते हैं। भाई जहां पर ह्यूमन सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेंट करते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था निवंश जातीय जो रिसर्च किया जाता है तो समाज से रिलेटेड है, समाजशास्त्री जो होते हैं वो भी समाज से रिलेटेड रिसर्च करते हैं। उस टाइम पर क्या होता है कि उनको इन्वॉल्व किसको करना होती है, समाज के लोगों को है ना, या फिर हमारे आसपास के लोगों को, मनुष्यों की पार्टिसिपेंट होती है, ह्यूमन पार्टिसिपेंट। ओके, उनको सैंपल के रूप में लिया जाता है जब ह्यूमन को। ओके, और उस टाइम पे हम नैतिकता संबंधी जो एथिकल इश्यूज है उससे संबंधित जो भी मुद्दे हैं वो कौन से मुद्दे यहाँ पर शामिल होंगे। तो यहाँ पर दिया है लैक ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट, सुविचारित सहमति का अभाव होगा है ना, अच्छी तरह से विचार करके सहमति का अभाव उसके अंदर देखा जाएगा, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान भी होगा, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नुकसान भी होगा, एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट यानी कि अत्यधिक प्रलोभन भी हमारे अंदर आ जाएगा, और डीप ब्रीफिंग यानी कि अध्ययन के बारे में जानकारी देना। तो इनमें से कौन सा आपको लगता है कि एथिकल इश्यूज के रूप में इसको हम बता सकते हैं, अध्ययन के बारे में जानकारी देना, ये तो एथिकल इश्यूज है ही नहीं क्योंकि वो हमें जानकारी तो चाहिए ही, तो जानकारी दे ही रहे हैं है ना, तो फिर उसमें हमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए एथिकल है ना। तो ये वाला ऑप्शन जो है डी वाला पहले निकालो, जहां पर भी डी है वहां से डी निकाल दिया तो आपका आंसर बन गया ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, तो देखिए अच्छी तरह से विचारित किया हुआ सहमति का अभाव भी हमें देखने को मिलेगा क्योंकि हम मनुष्यों की पार्टिसिपेंट यहाँ पर स्टडी के अंदर करवा रहे हैं ना, मनुष्य पर समाज के लोगों पर हम अगर मान लीजिए कि रिसर्च करने जा रहे हैं तो वहां पर सहमति नहीं भी मिल सकती है, हमारे विचारधारा से सहमत नहीं भी हो सकते है ना, और ना हम भी उनके विचारधारा से सहमत नहीं भी हो सकते, तो ये अभाव हमें देखने को मिलेगा। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान भी हमारा हो सकता है ना, उनको मतलब कहते हैं ना किसी बुक को समझना आसान होता है लेकिन इंसान को समझना बहुत मतलब ऊपर उठने वाली बात है ना,
इंसान को समझना बहुत मुश्किल होता है। तो वो शारीरिक मनोवैज्ञानिक दोनों नुकसान हमें हो जाता है। अत्यधिक प्रलोभन भी आ जाता है हमारे अंदर। अगर मान लो कि हम चाहते हैं कि भाई नहीं, ये जाति के लोग हैं, मान लीजिए जस्ट एग्जाम्पल, ऐसा कृत्य कर रहे हैं लेकिन मुझे मेरे रिसर्च में नहीं बताना है, या फिर कोई प्रलोभन है, सर आप, मैं आपको इतने पैसे दूंगा लेकिन आप ये बात मत बताना, है ना, तो फिर हम प्रलोभन में भी आ सकते हैं। तो ये भी एथिकल इश्यू है। और जब हम मनुष्य पर, ह्यूमन सब्जेक्ट पर हम जब रिसर्च करते हैं और उनको पार्टिसिपेशन करवा के हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, तब ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा है, जब अनुसंधानकर्ता का लिंग अध्ययन यानी कि सेक्स जो होता है उस पर अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन के प्रतिभागी के मतलब कि जो भी स्टडी के अंदर जो पार्टिसिपेटर हैं उनके बिहेवियर पर, ये उनके बिहेवियर को प्रभावित करता है। देखो रिसर्चर की जो सेक्स, सेक्स मतलब उसकी जो जाति होती है, लिंग होती है, यानी कि वो मेल है या फीमेल है, मेल है या फीमेल है, ये जो उसकी जेंडर बोल लो, सेक्स बोल लो, कि सेक्स का मतलब यहाँ पर दूसरा मत निकालना, ये जेंडर के कंटेक्स में है। किसके कंटेक्स में? जेंडर के कंटेक्स में। तो रिसर्चर का जो जेंडर है, सेक्स है, वो स्टडी में पार्टिसिपेटर जो है उसके बिहेवियर को प्रभावित करता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, साइकोलॉजिकल इफेक्ट कहेंगे, साइकोसोशियल इफेक्ट कहेंगे, या फिर बायोसोशियल इफेक्ट कहेंगे, या फिर एनवायरमेंटल इफेक्ट कहेंगे, क्या कहेंगे? ओके, यहाँ पर क्या कहेंगे, बायोसोशियल इफेक्ट कहेंगे। बायोसोशियल इफेक्ट के अंदर हम क्या देखते हैं, सोशियल देखते हैं, सामाजिक, फिजिकल, शारीरिक और लास्ट में आपकी सामाजिक और बिहेवियर, बिहेवियर ओके, यानी कि व्यवहार, इन सब की बात आएगी सोशल इफेक्ट के अंदर। कैसे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई बच्चा जन्म से संबंधित समस्या से जूझ रहा है, समस्या से जूझ रहा है, कि या तो भी समस्या सामना कर रहा है। तो कोई बच्चा है वो जन्म से संबंधित समस्या से जूझ रहा है या फिर समस्या का सामना कर रहा है, और ऐसे में वो विघटित कुटुंब जो होते हैं, विघटित कुटुंब, जो विघटित कुटुंब जो है उसके साथ रह रहा है, मतलब कि विघटित का मतलब संयुक्त और विघटित आप लोगों को पता होगा, विभक्त भी बोल सकते हैं, कि जैसे कि संयुक्त में क्या होते हैं कि सभी लोग साथ में रहते हैं, दादा काका, सॉरी काका नहीं, चाचा, कि गुजराती में काका बोला जाता है, तो थोड़े से बड़े ऐसे आ जाए तो माफ कर देना, दादा चाचा चाची बुआ जो भी है, तो घर की फैमिली के सारे मेंबर साथ में रहते हैं तो संयुक्त कुटुंब कहेंगे। लेकिन अभी के समय में क्या हुआ है कि सभी लोग अपने अपने तरीके से रहते हैं, उसके बहुत सारे रीजन है, उसकी बात हम नहीं करेंगे ओके। तो मान लीजिए कि छोटी फैमिली छोटी हो रही है और घर में मान लीजिए तीन तीन भाई होते हैं, तो सभी भाई अलग अलग रहने लगते हैं अपने तरीके से, है ना, तो फिर ये क्या है, विघटित कुटुंब है। अब बच्चा देखिए जन्म से संबंधित समस्या से जूझ रहा है और ऊपर से वो विघटित कुटुंब में रह रहा है, तो वो अपनी बात किसी को कह नहीं सकेगा, है ना, और फिर उसके अंदर क्या आ जाएगा, अपराध भाव पैदा हो जाएगा। क्या पैदा होगा, अपराध भाव, या तो फिर अपराध वृत्ति उसके अंदर पैदा हो जाएगी और फिर वो अपराधी भी बन सकता है ना। तो ये क्या हुआ पूरी तरीके से, दिखे ये एक तो जन्म से संबंधित समस्या से जूझ रहा था, वो तो आपके क्या है, जय जय मतलब उसके जेनेटिक है ना, मतलब गर्भ से ही लेकर आया, माता के गर्भ से ही लेकर आता आया है, जेनेटिक है ना, तो जैविक हो गए आपके, जैव
जैविक भी बोल सकते हो कि जैविक समस्या से जूझ रहा है, फिर विघटित कुटुंब में आता तो सामाजिक बन गया, सामाजिक से हो गया है ना। और उसके बाद यहाँ पर देखिए अपराध वृत्ति, मतलब उसके व्यवहार में ये देखने को मिली अपराध वृत्ति है ना। तो ये सारी चीजें, ये सारे, ये जैविक के अंदर आपकी शारीरिक भी आ जाएगी, क्लियर। तो इस तरीके से ये बायोसोशल इफेक्ट करता है, समझ आया ना। तो यहाँ पर यही बात है कि अनुसंधान रिसर्चर की जो जेंडर होती है वो आपके अध्ययन के अंदर जो भी पार्टिसिपेटर है उसके व्यवहार को अवश्य प्रभावित करेगी, जेंडर अवश्य प्रभावित करेगी। लेकिन उसे क्या कहा जाता है, अगर वो जेंडर इफेक्ट कर रही है पार्टिसिपेट के बिहेवियर पर, तो वो हो जाएगा बायोसोशल इफेक्ट। समझ आया ना, समझ आ गया सबको? ओके, आई होप समझ आ गया होगा। चलिए बस बायोसोशल में आप एक बात याद रखना, अगर आपको ये भी हो सकता है माइंड में, मेरे दिमाग में भी आया तो मैं बताना चाहूंगी, साइकोलॉजिकल तो वो मेंटली इफेक्ट होती है, ओके, मानसिक रूप से। साइकोलॉजिकल में क्या होगी, मानसिक रूप से, मानसिक रूप से होगी। साइकोसोशल में क्या होगा, मानसिक प्लस, मानसिक प्लस सामाजिक होगा, ओके। और यहाँ पर बायोसोशल में क्या होगा, शारीरिक प्लस सामाजिक आर इज इक्वल टू व्यवहार, क्लियर। और एनवायरमेंटल के अंदर पर्यावरणीय, जो हमारे वातावरण पर्यावरणीय जो इफेक्ट है उसकी बात है, ओके। तो इस तरीके से इसको समझिए, तो बिहेवियर जो है वो बिहेवियर आपके दिख रहा है ना पार्टिसिपेटर का, जो कि वो भी साइकोलॉजिकली होता है ना बिहेवियर। लेकिन यहाँ पर हमें जेंडर की भी बात की गई है, जाति की, जेंडर मतलब मेल है फीमेल है, वो शारीरिक रूप से पता चलेगा हमें, है ना। और सोशल सामाजिक तो होगा ही, क्योंकि ये क्या होता है जेंडर होना, मेल फीमेल एक समाज के रूप में अगर देखें तो मेल है वो उसका एक समाज बना लो और फीमेल का एक समाज बना, मतलब सोशली तरीके से हमें उसको देखना है, समझ आया ना। तो इस तरीके से बायोसोशल इज द परफेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, दो स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट सही है गलत है वो बताना है। इन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च द वेरिएबल्स आर एक्टिवली मैनिपुलेटेड एंड द एनवायरमेंट एज कंट्रोल एज पॉसिबल। अवलोकनात्मक अनुसंधान के अंदर जो भी वेरिएबल है उनमें सक्रिय रूप से हम क्या कर सकते हैं, हेर फेर यानी कि मैनिपुलेट कर सकते हैं, और वातावरण को यथासंभव कंट्रोल भी किया जाता है, ओके। उसके बाद है कथन टू है, अवलोकनात्मक अनुसंधान आपको कई बाह्य कारणों का जो प्रभाव होता है, बाहरी जो भी इन्फ्लुएंस होता है, एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं, उसका जो इन्फ्लुएंस होता है उसको दूर करने की अनुमति देता है। बताइए इसका आंसर, बताइए दोनों स्टेटमेंट कैसे है, सही गलत किस तरह के स्टेटमेंट है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वनल रिसर्च क्या होता है, अगर ये पता चल गया तो आप ऑटोमेटिकली आंसर कर पाएंगे। ओके, चलिए ऑब्जर्वनल रिसर्च क्या होता है कि हम किसी का ऑब्जर्व करके हम स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, है ना। जब हम किसी का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो वहां पर जो घटना घटित होती है उसको हम घटित होने दे सकते हैं, उसको उसमें हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जस्ट एग्जाम्पल कि एक मैदान में बच्चे खेल रहे हैं और मुझे ये चेक करना है कि ये जो बच्चे खेल रहे हैं उसके अंदर खेल दिली की भावना कैसी है, इन बच्चों के अंदर खेल दिली की भावना कैसी है, इन बच्चों के अंदर खेल दिली की भावना एक दूसरे के प्रति कैसी। अगर मुझे ये ऑब्जर्व करना है तो मैं यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर बैठी बैठी मैं अच्छे से उन बच्चों का क्या कर रही हूँ, ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ,
अब ये मैं ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ, तो क्या मैं बच्चों के, मान लीजिए मुझे लगता है कि बच्चे ने मुझे जो जो आंसर चाहिए वैसे आंसर नहीं मिल रहा है, तो मैं बच्चों को बोलूँ बच्चों दूसरी गेम खेलो, ऐसा तो नहीं बोल सकती। वो जिस तरीके से, मैं ये तो नहीं बोल सकती तुम इसके साथ अच्छा बिहेवियर करो या इसके साथ बुरा बिहेवियर करो, ये मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकती हूँ, है ना। जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही मैं देख सकती हूँ और उसके बेस पे डेटा को कलेक्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हेर फेर किया जाता है, दिया है, इसी वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत है और ना ही हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशनल जो रिसर्च होता है उसमें हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल कब करेंगे, जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है वहां पर जाके हम वेरिएबल को कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वेरिएबल को कंट्रोल नहीं कर पाते। ओके, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं होती, हम बस उसको देख सकते, क्योंकि हमें देखना ही यही है कि बच्चे किस तरीके से खेल रहे हैं, किस तरीके से उनके अंदर किसी का न दिख। देखो अगर आप, आपको पता चलता है कि कोई आपको देख रहा है तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है कि नहीं, दिल से बताना। और अगर आपको पता होता है कि आपको पता नहीं कि आपको कोई देख रहा है, तब भी आपका बिहेवियर चेंज होगा, तब आप अपनी मस्ती में, अपने जो नेचुरल जो आपका कहते हैं ना प्योर स्वभाव होता है, वैसे स्वभाव में आप रहेंगे, वैसी आदत में आप अपना कार्य करते होंगे। लेकिन किसी के आने की बात हो या कोई आपको देख रहे हैं ये बात पता चलती है, तो फिर तुरंत ही आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है ना। तो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में यही बात होती है कि सामने वाले को बिना पता चले ही हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो इसी वजह से हम वहां पर किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और ना ही उसमें कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि जो बाह्य कारणों का जो प्रभाव होता है, एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं या फिर वेरिएबल होते हैं, तो उसको हम, उसके इन्फ्लुएंस को हम दूर नहीं कर सकते हैं। हमें पता चल रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं, तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जैसे कि घर पे उनका घर का जो माहौल है वो खराब होता है, जिसकी वजह से बच्चे में भी आक्रामकता बहुत ज्यादा देखने को मिलती, तो हम उसके घर वालों को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो बाहरी इफेक्ट कर रहे हैं, वो जो घर के लोगों का जो एनवायरनमेंट है वो बच्चे के बिहेवियर पर भी इफेक्ट कर रहा है, और बच्चे के बिहेवियर पर जब इफेक्ट करता है तब बच्चा जब खेलने जाता है तब भी उस पर इफेक्ट करता है ना। तो फिर मान लीजिए घर में पूरा दिन मम्मी पापा दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो बच्चे आक्रामक बन जाएंगे, क्योंकि वो उस माहौल में रहता है जहाँ पर मम्मी पापा बस लड़ते झगड़ते ही रहते हैं, समझदारी की कोई बात ही नहीं होती है, बस लड़ते झगड़ते पूरे दिन रहते, तो बच्चा भी आक्रामक बन जाएगा। और वो बच्चा आक्रामक जब बनेगा, तब वह जब वो दूसरे लोगों के साथ जाएगा तभी वो वैसा ही बिहेवियर करेगा जैसे उसके घर में उसके मम्मी पापा एक दूसरे के साथ करते हैं, है ना। तो डायरेक्टली अब आपको पता चला कि भाई उसके मम्मी पापा पूरा दिन लड़ते झगड़ते रहते, उसके इफेक्ट बच्चे की खेल दिल की भावना पर भी पड़ रही है, तो क्या आप उसके मम्मी पापा को कंट्रोल कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनके मम्मी पापा कैसे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है बच्चे के बिहेवियर को, लेकिन फिर भी हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च के अंदर हम जो बाहरी जो भी फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उसकी इन्फ्लुएंस को हम दूर नहीं कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके कैसे हैं, गलत हैं। उसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 8 है, जब किसी दिए गए विषय पर अनेक अध्ययनों के एक समान निष्कर्ष निकलते हैं, कोई कोई सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक है, उस पर अनेक अध्ययन हुए हैं, ठीक है, बहुत सारी स्टडीज हुई हैं और उन स्टडीज के एक समान कंक्लूजन निकलते हैं। मान लीजिए कि मैंने जॉब सेटिस्फेक्शन, ओके, जॉब सेटिस्फेक्शन के कार्य संतुष्टि जिसको बोलते हैं, तो कार्य संतुष्टि पर मैंने रिसर्च किया। अब देखो कार्य संतुष्टि पर जितने भी रिसर्च हुए हैं, मान लीजिए कि 10 अध्ययन हुए या 15 अध्ययन हुए, जितने भी हुए अध्ययन, ओके, 10 या 15 जो भी स्टडी हुई है, जो भी अध्ययन हुआ है, उन सभी के, ये मान लीजिए 15 लिए, तो 15 के 15 उनके कंक्लूजन क्या
कैसे निकल रहे हैं? सेम निकल के आ रहे हैं। तो वो मापन क्या दर्शाता है? कन्वर्जेंट वैलिडिटी देता है, बताता है, क्राइटेरियन वैलिडिटी, डाइवर्जेंट वैलिडिटी या कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्या बताता है बताइए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने जॉब सेटिस्फेक्शन के जितने भी अध्ययन लिए उनकी कंक्लूजन सेम निकल के आ रहा है, तो उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट वैलिडिटी। क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट वैलिडिटी। अब इसके ही विपरीत अगर मैं बात करूं डाइवर्जेंट वैलिडिटी, तो डाइवर्जेंट वैलिडिटी में क्या होगा? यहाँ पर डिफरेंस होगा, टॉपिक होगा, वो डिफरेंस होगा। क्या होगा? डिफरेंस टॉपिक होगा। अब डिफरेंस टॉपिक कैसे होगा? जैसे कि मैंने एक एक तरफ ले लिया स्ट्रेस, ओके, और एक तरफ मैंने ले लिया ये स्ट्रेस ले लिया, और दूसरा मैंने ले लिया जॉब सेटिस्फेक्शन। तो ये दोनों टॉपिक अलग हो गए, है ना, और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट नहीं करने चाहिए। कन्वर्जेंट के अंदर क्या थे? कंक्लूजन सेम निकल के आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे, ये जितने भी अध्ययन हुए वो एक दूसरे के साथ क्या है? कोरिलेट है। ओके, कोरिलेट है। क्या है? कोरिलेट है, मतलब सहसंबंध, उनके बीच में सहसंबंध देखने को मिल रहा है। लेकिन जब यहाँ पर मैं अगर डाइवर्जेंट की बात करती हूँ, तो वहां पर क्या होना चाहिए? डिफरेंस टॉपिक होने चाहिए, और दोनों में कोरिलेट नहीं होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से कोरिलेट नहीं होना चाहिए। नो कोरिलेशन, सहसंबंध नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग मेजर कर रही है ना, तो फिर उनके बीच में कैसे कोरिलेशन हो सकता है? दोनों में कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। समझ आया ना? तो ये हो गई डाइवर्जेंट वैलिडिटी, मतलब इसका कंक्लूजन भी सेम नहीं निकल के आएंगे, उस कंक्लूजन भी अलग अलग निकल के आएंगे। दोनों जो टॉपिक है वो भी दोनों अलग अलग होंगे डाइवर्जेंट वैलिडिटी के अंदर। अब आते हैं क्राइटेरियन, तो क्राइटेरियन के अंदर क्या होगा? मैंने ना आप लोगों को वैलिडिटी के टाइप जो है ना वो आप लोगों को सेंड किए थे, लिखकर टेक्स्ट मैसेज मैंने टेलीग्राम में, यूजीसी नेट की टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड किया हुआ है, जीसेट की टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया हुआ है, हिंदी में शेयर किया है। ओके, अब क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या होती है? तो इसके अंदर उसके जैसे ही दूसरे टेस्ट के साथ इसको क्या किया जाता है? सहसंबंधित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ आपको बताना चाहूंगी, ये आपको शायद समझ आ गया ना, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए, वैलिडिटी के टाइप की मैं बात करूं, पहले से मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझा देती हूँ टाइप। वैसे मैंने ये ना आपको स्टडी ऑफ साइकोलॉजी की जो चैनल है ना वहां पर आपको पढ़ाया हुआ है। कहाँ पर? स्टडी ऑफ साइकोलॉजी ये चैनल है, वहां पर मैंने आपको उसके अंदर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, अगर कोई साइकोलॉजिकल स्टूडेंट है तो उनके लिए ये इंपोर्टेड हो जाएगा, बिकॉज उनको पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आ जाएंगे। पेपर 1 के क्वेश्चन हो के पेपर 2 के नहीं है, लेकिन पेपर 2 में भी उन लोगों को काम में आ जाएगा। तो वहां पर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में वैलिडिटी के क्लास लिए हुए हैं। ओके, तो उसके अंदर ये पढ़ाया हुआ है। अब टाइप्स ऑफ वैलिडिटी के अंदर अगर मैं बात करूं, तो एक है आपकी कंटेंट वैलिडिटी, ये क्या होती है? वैलिडिटी, ये वैलिडिटी क्या होती है? कंटेंट, तो वो होती है आपके जो टेस्ट के अंदर जो आइटम्स रखी जाती है ना, वो आइटम्स कैसी हैं, मतलब जो आइटम रखी गई है वो टेस्ट जो मेजर करना चाहता है या उसी से संबंधित आइटम है, तो उसको बोलते हैं कंटेंट वैलिडिटी। अब कंटेंट वैलिडिटी के भी दो टाइप्स है, एक है आइटम वैलिडिटी, आइटम वैलिडिटी, और
दूसरी है आपकी सैंपलिंग वैलिडिटी, सैंपल से रिलेटेड, ओके, सैंपलिंग वैलिडिटी। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरी है आपकी यहां पर क्राइटेरियन, क्राइटेरियन वैलिडिटी, जो कि आपके ऑप्शन के अंदर यहां पर दी हुई है क्राइटेरियन। ओके, हमारा आंसर कन्वर्जेंट वैलिडिटी है। क्राइटेरियन के अंदर अगर मैं बात करूं, क्राइटेरियन क्या बताती है कि इस क्राइटेरियन वैलिडिटी में कोई एक टेस्ट है, कोई एक टेस्ट है उसके जैसा ही दूसरा, उसके जैसा ही दूसरा जो टेस्ट बनाया गया है उनके बीच में कोरिलेशन है कि नहीं। जैसे कि मान लो कि मैंने स्ट्रेस के स्ट्रेस है, ओके, तो स्ट्रेस का मान लीजिए कि मैंने कोई टेस्ट बनाया है ना, मान लीजिए मैंने कोई बनाया और एक टेस्ट बनाया पायल ने, दोनों ने स्ट्रेस का टेस्ट बनाया अपने अपने अकॉर्डिंग, तो ये हम दोनों ने जो टेस्ट बनाया है क्या वो दोनों टेस्ट एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं कि नहीं। अगर करते हैं तो क्राइटेरियन वैलिडिटी हो गई उसके अंदर। ओके, अब क्राइटेरियन वैलिडिटी है उसके भी टाइप्स है, दो टाइप्स है क्राइटेरियन के अंदर ही। पहला है उसके अंदर कंकरेंट वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी, ओके, आगे मैं लिखती हूँ, और दूसरा है आपका प्रेडिक्टिव, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। अब देखो कंकरेंट वैलिडिटी में क्या होगा कि वर्तमान में कोई टेस्ट बनाया गया है तो उसको दूसरे टेस्ट जो पहले से बनाया हुआ, कंकरेंट में याद रखना है, करंट से याद रखो, मैंने आपको ये ट्रिक भी बताई हुई है क्लास के अंदर, करंट से याद रखो, करंट मतलब प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में जो टेस्ट हमने बनाया है उसको पहले यानी कि पास्ट में जो टेस्ट पास्ट में जो टेस्ट इस्टेब्लिश, ये वर्ड आपको याद रखने, ओके, इस्टेब्लिश मतलब पास्ट में जो टेस्ट बनाया है उसके साथ कोरिलेट करके देखते हैं। ओके, फिर दूसरी है प्रेडिक्टिव, प्रेडिक्टिव में क्या करेंगे हम, आज हमने प्रेजेंट में जो टेस्ट बनाया है उसको, प्रेडिक्ट का मतलब क्या, तो फ्यूचर में आ जाता है ना, तो उसी से याद रखो, तो प्रेडिक्टिव में क्या आएगा, फ्यूचर के टेस्ट के साथ उसको क्या करेंगे, कोरिलेट करके बताएंगे, मतलब कि फ्यूचर के टेस्ट के साथ इस तरीके से कोरिलेट होगा, समझ आया ना। तो ये हो गया कंकरेंट में प्रेजेंट के टेस्ट को पास्ट के टेस्ट के साथ क्या करेंगे हम चेक करेंगे, जबकि प्रेडिक्टिव में क्या करेंगे हमने प्रेजेंट में जो टेस्ट बनाया है वो आपके भविष्य में जो टेस्ट बनने वाला है उसमें सहाय करेगा, उसके साथ कोरिलेट करेगा। क्लियर, तो ये हो गई आपकी क्राइटेरियन वैलिडिटी। अब तीसरी आपकी आती है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्या आती है कंस्ट्रक्ट, जो कि आपके ऑप्शन में यहाँ पर भी दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ये तीसरा नंबर आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है वो क्या बताती है कि भाई आपकी जो ऑब्जर्वेबल ट्रेट है, मतलब आपके अंदर जो सिलसिल गुण रहे हैं जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आपके अंदर ऐसे गुण है जिसका हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते लेकिन फिर भी हम उसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, है ना, तब क्या होता है, तब हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का यूज करते हैं, समझ आया ना। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो कंटेंट वैलिडिटी और क्राइटेरियन वैलिडिटी, इन दोनों को मिला देना, इन दोनों को प्लस कर दे तो हमारी क्या बन जाएगी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बन जाएगी। जब हमारे पास कंटेंट वैलिडिटी नहीं, क्राइटेरियन वैलिडिटी नहीं बना सकते हैं किसी के अंदर, ओके, नहीं चेक कर सकते, तब हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को चेक करते हैं, यानी कि ऐसे गुण, छिपे हुए गुण है आपके अंदर जिसको हम मेजर, जिसको हम मतलब कि क्या है, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मेजर तो कर सकते लेकिन ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो वैसे जैसे कि इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को आप देख सकते हो नहीं, उसको मेजर कर सकते हो, देख नहीं सकते, है ना। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी जो है वो उसका जो गुण है वो आपके अंदर छिपा हुआ होता है ना, लेकिन
उसका ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हमें पता नहीं चलता है, जब तक आप उसको बिहेवियर में नहीं लाते हो तब तक नहीं पता चलता है ना। तो ये हो जाते हैं आपकी क्या है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब इसके अंदर भी आपकी आ जाएगी कन्वर्जन, मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्ट लिख देती हूँ, कंस्ट्रक्ट ये और डाइवर्जेंट, ये दोनों कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के क्या होंगे, टाइप्स होगा। तीसरा होता है डिस्क्रिमिनेटिव वैलिडिटी, ओके। तीसरा क्या आएगा इसके अंदर, डिस्क्रिमिनेटिव, यहाँ पर लिख देती हूँ। चलिए यहाँ पर थर्ड नंबर है डिस्क्रिमिनेटिव, मिनेट, ओके मिनेट, ओके डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी। तो अब देखो कन्वर्जेंट के अंदर मैंने आपको बताया है ना, कन्वर्जन के अंदर क्या बताया हमने कि कोई एक टेस्ट है, एक ही एक जैसा टेस्ट है और उसके कंक्लूजन से हम निकल के आते हैं तो कन्वर्जेंट है। डाइवर्जेंट वैलिडिटी के अंदर क्या आएगी, दोनों टेस्ट अलग 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 टॉपिक पे हैं तो उसके जो कंक्लूजन निकलेंगे जो भी उन दोनों के बीच में कोरिलेशन नहीं होना चाहिए है ना, तो वो हो जाएगी डाइवर्जेंट वैलिडिटी। और उसके बाद है डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी, तो जब कोई टेस्ट होता है ना उन सभी कारकों या एकांशों के साथ नहीं के बराबर बिल्कुल भी संबंधित नहीं होता है ना, मतलब विभेद बताता है, कोई भी टेस्ट है दूसरे टेस्ट के साथ मतलब उसके जो भी आइटम्स है ना उसके साथ बिल्कुल भी कोरिलेट नहीं करता है, तो तब हमारा क्या होगा, डिस्क्रिमिनेट मतलब विभेद करके बता रहा है ना, तो उसको बोलेंगे डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी। क्लियर, चलिए आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर इसको हम ये भी बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनेट है ना, उसको डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट के साथ भी जोड़ सकते हैं क्योंकि इसका मीनिंग भी वही निकल के आता है कि एक दूसरे के साथ को रिलेट नहीं होना चाहिए है ना, तो इस तरीके से आप इसको इसमें भी सम्मिलित कर सकते हो डाइवर्जेंट को डिस्क्रिमिनेट के अंदर। तो आई होप आपको वैलिडिटी वाला ये जो आपके क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। चलिए तो आंसर हमारा कन्वर्जेंट वैलिडिटी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा पी मान यह दर्शाएगा कि कोई प्रतिदर्श सहसंबंध गुणांक 1% सार्थकता स्तर पर सार्थक है। चलिए इसको देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया 1% लेवल और सिग्निफिकेंट लेवल पे आपको कौन सा सिग्निफिकेंस पी वैल्यू आपको दिख रहा है, 0.005, 0.02, 0.99, 0.95। तो देखिए सबसे पहले आप बोलोगे कि मैम ये तो आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, 0.95 भी नहीं आएगा, बिकॉज हमने आपको कौन सी वैल्यू बताई थी, 0.05 लेवल वाली है ना। अब आप बोलोगे मैम 0.05 भी आएगा, 0.02 भी आएगा, क्योंकि 0.02 0.05 से कम है, तो हमें तो कम वाली पी वैल्यू ही देखनी थी है ना, तभी जाके हम सिग्निफिकेंट बता सकते हैं। यस, तो यहाँ पर अब क्या है उसके बारे में ध्यान रखिए कि जितना आपका जो पी वैल्यू है उसका पी वैल्यू जितना छोटा होगा ना उतना आपका 1% सिग्निफिकेंट लेवल पे वो सिग्निफिकेंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके, तो इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है, तो आप बोलोगे ये वाला, तो ये वाला आपका आंसर है, समझ आ ना, सबसे छोटा आपको जितना सबसे छोटा होगा उतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस हमें पता चलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये वाली स्लाइड मैंने सोची मैंने रखना ही भूल गई, लेकिन नहीं यहाँ पर मैंने रख ली। ओके, तो देखिए यहाँ पर पी वैल्यू और प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ये क्लास ना मैंने इंट्रोडक्शन स्टेटिस्टिक्स इंट्रोडक्शन स्टेटिस्टिक्स वाली जो क्लास है ना उसके अंदर पढ़ाई है ये बात। तो पी वैल्यू को पहले तो बोला क्या जाता है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू उसको बोला जाता है, वो बाय नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बाय नॉमिनल का मतलब दो नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब दो माप बताता है हमें, ए 50-50% वाला मैंने आपको बताया था ना, 0.05 एंड 0.05 है ना, इस तरीके से आपका 1% सिग्नि लेवल पर सिग्निफिकेंट लेवल पर इसको चेक करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए कि इसका वो 0 to 1 के बीच में आता है। ओके, और जितना छोटा, देखो पी वैल्यू जो है ना वो जितना छोटा होगा इस बात का प्रमाण उतना ही मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा कि आपको नल हाइपोथेसिस असत्य परिकल्पना यानी कि नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करना चाहिए स्ट्रॉन्गली तरीके से। आपको स्ट्रॉन्गर एविडेंस देते हैं कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लो। जितने छोटी स्मॉलर वैल्यू मिलेगी ना, पी वैल्यू स्मॉलर होगा
उतना हमें ये एविडेंस मिलेगा स्ट्रांगली तरीके से कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाहिए, है ना। इसी वजह से हमने सबसे छोटी वैल्यू को चूज किया आंसर के अंदर, आते थे दोनों ही ओके, लेकिन सबसे छोटी, जितनी छोटा वैल्यू होगा पी वैल्यू, उतनी ही हमारी नल हाइपोथेसिस स्ट्रांगली तरीके से रिजेक्ट होगी। 0.05 आमतौर पर से मतलब कम से कम का पीमन सांख्यिकी रूप से महत्वपूर्ण है, मतलब सिग्निफिकेंट होता है। याद आपका क्या होना चाहिए, ये जो टाइपिकली लिखा है ना वो पी वैल्यू, तो ये पी वैल्यू जो है वो 0.05 से कम या फिर 0.05 तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चलना चाहिए, है ना। उससे ज्यादा गया तो फिर आपकी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, है ना। लेकिन उससे कम जा रहा है या उसके जितना रहता है 0.05 लेवल तक रहता है या 0.05 से कम रहता है, तो हम उसको सिग्निफिकेंट तरीके, स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट तरीके से उसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर यही बात आपको बताई गई है। चले तो यहाँ पर अब समझ आया ना, सबसे जितना छोटा होगा पी वैल्यू उतना आप स्ट्रांगली तरीके से जो हाइपोथेसिस है नल हाइपोथेसिस उसको रिजेक्ट कर पाएंगे। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। मापन की निम्नलिखित मापनियों को सबसे अधिक सरल से सबसे अधिक विकसित के क्रम में रखें, मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, निम्न से उच्चतर, उच्च निम्न से उच्च स्तर तक रखना है, या तो फिर सरल से अधिक विकसित, है ना, उस तरीके से रखना है। देखो ऑर्डिनल नॉमिनल रेशियो इंटरवल, अब इसमें सोचने वाली बिल्कुल भी बात नहीं, बिकॉज हमने आगे उसकी कहानी कह दी है आपको कि तो पहले क्या आएगी, नॉमिनल मैंने बताया था लो लेवल का होता है ना, लो लेवल का होता है मतलब एकदम इजी होता है। उसके बाद आता है आपका ऑर्डिनल, ऑर्डिनल के बाद आता है आपका इंटरवल, और इंटरवल के बाद आता है लास्ट में सबका बाप रेशियो, यानी कि ये सबसे अधिक विकसित होता है ना। ये देखो छोटा सा बच्चा, छोटू सा बच्चा सा है ना, उसके बाद ये थोड़ा बड़ा हो जाता है ऑर्डिनल में, उसके बाद इंटरवल, इंटरवल बन जाता है, और ये रेशियो उसका बाप बन जाता है। समझ आ गया ना, तो इस तरीके से, तो पहले नॉमिनल में पहला नंबर, ऑर्डिनल में दूसरा नंबर, इंटरवल में तीसरा नंबर, रेशियो में फोर्थ नंबर। तो बी, बी के बाद ए, ए के बाद हमारा डी, बी ए डी सी। चलिए बी ए डी सी, डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और पॉजिटिव कमेंट करना, बताना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, क्लास में आप क्या सीख पाए, क्या आपको पता नहीं था और आपको इस क्लास के माध्यम से समझने को मिला है, वो जरूर बताना। प्लीज पॉजिटिव कमेंट कीजिए, पॉजिटिविटी ही देना है हमें, नेगेटिविटी बिल्कुल भी फैलानी नहीं है ओके, क्योंकि जितना देंगे उतना ही वैसे हमें रिटर्न मिलता है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलिए बाय बाय, टेक केयर यू सबको, जय श्री कृष्णा।